हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल गायनाकोलॉजिस्ट मेडिकल लेक्चर्स। और मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड एसोसिएट प्रोफेसर। और आज हम जानेंगे हिस्टेरेक्टमी के बारे में। तो हिस्टेरेक्टमी यानी बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, ये बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है। ये क्यों किया जाता है, क्या इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, किस तरीके से किया जाता है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो हिस्टेरेक्टमी जो है, या तो एब्डोमिनली हो सकता है पेट से, या फिर वेजाइनली नॉर्मल डिलीवरी के रास्ते से, या लेप्रोस्कोपी के लिए, या दूरबीन से जिसमें दो या तीन छेद आते हैं पेट में छोटे छोटे, और या फिर रोबोटिक जो हायर सेंटर्स में है। इंडिया में अभी थोड़ा कमी सेंटर्स पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हिस्टेरेक्टमी की हमें ज़रूरत कब पड़ती है। बेसिकली अगर आपके फाइब्रॉइड्स हैं, रसौली है, आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, माहवारी बहुत ज़्यादा जाती है, क्रॉनिक पेल्विक पेन है, नीचे पेड़ों में हर समय दर्द बना हुआ है और वो दवाइयों से जा नहीं रहा है, या फिर क्रॉनिक पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेशन है यानी कि बच्चेदानी में सूजन है आसपास के, उसके साथ ट्यूब्स ओवरीज हैं वो भी इन्फेक्टेड हो गए हैं, और उनसे आपको नीचे पेड़ों में हर समय दर्द है, वाइट डिस्चार्ज है, सफ़ेद पानी की शिकायत है, क्रॉनिक सर्विसाइटिस है, बच्चेदानी का मुँह भी इन्फेक्टेड है, तब हिस्टेरेक्टमी की ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर आपको कैंसर है बच्चेदानी के मुँह का, सर्वाइकल कैंसर है या एंडोमेट्रियल कैंसर है, तब भी हिस्टेरेक्टमी की ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर एडिनोमायोसिस है, या कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस में भी, या कभी कभी जब बच्चों की ज़रूरत उसको नहीं होती, फैमिली कंप्लीट हो जाती है, तो इन कंडीशंस में हम कर सकते हैं। या फिर कि प्रोलैप्स है, शरीर बाहर निकलता है, बच्चेदानी बाहर निकलती है, तो भी हिस्टेरेक्टमी पेल्विक ऑर्गन रिपेयर के साथ कराई जा सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हिस्टेरेक्टमी के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देखो, कोई भी सर्जरी होती है तो उसका कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन, कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता ही है। अगर सड़क पे भी आप जा रहे हैं तो ठोकर लगने के चांस तो है ही, तो इसमें डरने की बात नहीं है। हिस्टेरेक्टमी वैसे एक सेफ़ प्रोसीजर है और सेफ़ हैंड्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सपोज़ आपके पहले एक या दो सिजेरियन हुए हों, तो हो सकता है बच्चेदानी आपस में सब चिपकी हुई हो, है ना, उसके क्योंकि यूट्रस जहाँ पेल्विक कैविटी में होता है उसके पास ही बॉवल है आपका, ब्लैडर है, ठीक है, पेशाब की थैली है, या फिर जो इंटेस्टाइन्स हैं वो हैं, तो वो आपस में चिपके हों, तो हो सकता है उनकी भी इंजरी हो जाए। और हर सर्जरी की अपने आप कुछ परसेंटेज कॉम्प्लिकेशन रेट होती है, या फिर हैवी ब्लीडिंग हो जाए, कोई नस, कोई ब्लड वेसल ज़्यादा रपच्चर हो जाए, ठीक है, या फिर जो पेशाब की थैली में बाद में लीकेज हो जाए, फिस्टुला बन जाए, या फिर जब पेट पे स्कार आएगा तो जो सपोज़ एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी करी है तो उससे ही हर्निया बन जाए, या फिर उसके टांकों में मवाद पड़ जाए, तो ये सब तो है ही है, या इन्फेक्शन आपको ऑपरेशन के बाद और रह जाए, तो ये हो सकता है। इसके साथ ही कभी कभी आपका हिस्टेरेक्टमी के बाद यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, या प्रोलैप्स भी हो सकता है, वॉल्ट प्रोलैप्स जिसे हम कहते हैं, कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल थी और जो हिस्टेरेक्टमी का जो वॉल्ट होता है वो ही नीचे की तरफ गिर जाए, तो आपको एक रीसर्जरी, दोबारा ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, लेप्रोस्कोपी में भी यही है कि आपको कुछ मेजर वेसल्स, ब्लड वेसल्स, आयोटा वगैरह जब दूरबीन डाला जाता है उस समय कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या आते हैं उनकी इंजरी हो सकती है, लेकिन ये सब थोड़ा 100 में से एक या दो इसी तरह की सर्जरी में होता है। इसके अलावा हिस्टेरेक्टमी के कुछ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपका बच्चेदानी निकालने के साथ आपकी ओवरी भी निकाल दी गई है, तो ओवरी एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ करती है, और एस्ट्रोजन हार्मोन्स ही जो है महिलाओं को काफ़ी हार्ट को प्रोटेक्शन देती है, उनकी बोन्स को प्रोटेक्शन देती है, तो अगर कम उम्र में बच्चेदानी निकल जाए तो हार्ट अटैक होने के, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनकी बोन्स वीक हो सकती हैं, हड्डियों में फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, यानी ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना ज़्यादा हो सकती है। और इमीडिएटली हिस्टेरेक्टमी रिमूव करने, बच्चेदानी निकलने के बाद आपका जो है मीनोपॉज हो जाएगा, महावारी ख़त्म हो जाएगी, तो आपको मीनोपॉजल सिम्टम्स जो है, मेरा एक वीडियो है आप उस पर देखिए, तो हॉट फ्लैशेस, या एकदम से पसीना आना, एकदम से गर्मी लगना, एक रात में उठ के नाइट स्वेट्स होना, ये सब की शिकायत हो सकती है। हाँ, इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि पहले अगर दवाइयों से ही कुछ ठीक हो जाए तो बेटर है, और हिस्टेरेक्टमी तो फिर लास्ट रिसॉर्ट है ही है। इसके बाद आप माँ भी नहीं बन सकती हैं, तो मीनोपॉज होने के बाद आपको जो है एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से वेजाइनल इन्फेक्शंस वगैरह भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन ही वेजाइनल एपिथीलियम और जो उसके पास यूरेथ्रा है
उनको भी स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, तो ये भी भर सकता है। और मीनोपॉज के और भी दूसरे सिम्टम्स जैसे कि डिप्रेशन और थोड़ा सा जनरलाइज्ड वेलबींग थोड़ी सी कम लगती है, या लॉस इन सेक्सुअल इंटरेस्ट, ये भी होता है, हो जाता है क्योंकि हार्मोन कम है। और इसके अलावा वेजाइनल जो सर्जरी है उसके बाद भी आप कम से कम 1.5 से 2 महीने बाद ही सेक्स कर पाएंगे, और जो वेजाइनल है उसमें कभी प्रोलैप्स जो शरीर बाहर आता है उसके ऑपरेशन जो करते हैं तो उसमें कभी कभी वेजाइना की लेंथ भी छोटी रह जाती है, तो सेक्सुअल सेक्स करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कम उम्र में जनरली अगर बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, इंडिकेशन नहीं बनता है, तो एक बार को कोशिश कर सकते हैं कि हम बच्चेदानी निकालने के ऑपरेशन से अगर बच सकें तो अच्छा ही है। 40 के बाद तो एक बार को फिर भी ओवरी का हार्मोन रिलीज होना कम हो जाता है। तो अगर हम हिस्टेक्टमी करते समय ओवरीज को छोड़ भी दें तब भी ओवरीज कुछ सालों में फंक्शन करना कम कर देती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पेशेंट, क्योंकि जब हम हिस्टेरेक्टमी करते हैं तो हम क्लैम्प्स लगाते हैं यूट्रस को, उसके अटैचमेंट से हटाते हैं, यूट्रस जो है इस तरह से टंगा रहता है और पेल्विक वॉल से, ठीक है, तो जब हम और उसी से यूट्रस की ब्लड सप्लाई, ओवरी की ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाती है, ओवरीज में ब्लड कम मिलता है तो ओवरीज भी कम फंक्शन कम करने देती हैं। अगर हम ओवरीज को छोड़ भी दें तो फिर एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाएगी, तो महिला में डिप्रेशन, एनजाइटी, ये सब प्रोटेक्शन वो हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप आस्क कर सकते हैं और मुझे सजेशन दे सकते हैं, और बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे फ्यूचर आपको भी फ्यूचर वीडियोस का पता चले और मुझे भी अच्छा लगे ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ। दैट्स द ओनली इंस्पिरेशन फॉर मी, आप लोगों के कमेंट्स ही। बाय बाय, टेक केयर।